मैंने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्सिया के बारे में आपको मैंने बताया था। इनर्सिया का काइंड्स भी हमने डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन तरह का इनर्सिया होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑल द टाइप्स ऑफ इनर्सिया और उसका फर्स्ट लॉ के बारे में आपको मैंने बताया था। आज आपको हम बताएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में जान ले, मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि हमारा सेकेंड लॉ मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम होता क्या है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपली इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास एंड वेलोसिटी का, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It is represented by letter P. P के द्वारा इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, लेटर P होता है, जैसे फोर्स को हम लोग F के द्वारा इंडिकेट करते हैं, उसी प्रकार से मोमेंटम को P के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। That is P equal to mv, where m is the mass of the object and v equal to velocity, where m equal to mass of the object or body and v equal to velocity of the object। ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। P क्या है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब ये देख लीजिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी के अनुसार किसी बॉडी पर किसी प्रॉपर डायरेक्शन में ये लगता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम का हमारा यूनिट होता है। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम ले रहे हैं कि कैसे हम लोग मोमेंटम कैसे निकालेंगे। हम आपको बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 केजी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मास है, वेलोसिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सिंपली देखिए यहाँ पर आपको मैंने मास दे दिया, ऑब्जेक्ट का मास दे दिया 10 केजी, वेलोसिटी दे दी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम निकालना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम इसका मास ले लेते हैं कि मास इसका कितना है, 10 केजी हो गया, वेलोसिटी कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ, निकालना क्या है, मोमेंटम। बहुत आसान है, पी इक्वल टू एम वी, मास हो गया 10 केजी, वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और इस प्रकार से जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मोमेंटम निकल गया। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है कि अभी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और अगले ही सेकेंड फिर उसका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। आपसे पूछेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम में कितना बदलाव आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का केवल हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। जैसे मास हमारा 10 केजी हो गया,
इनिशियल वेलोसिटी अगर हम ले लें, इसका इनिशियल ले लें 5 मीटर पर सेकंड और फाइनल ले लें 10 मीटर पर सेकंड। यह हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यह हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, चेंज इन मोमेंटम निकालना, मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, कितना बदलाव आया। तो चलिए क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये निकाल रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना बदलाव आया। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एम बी माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब कैसे इसको निकालेंगे वो देखिए, मास हमारा, अगर मास को कॉमन ले ले, यहां से मास बाहर निकाल लेते हैं, बी माइनस जी हो गया, मास हमारा 10 केजी है, फाइनल वेलोसिटी भी हमारा 10 है और इनिशियल 5 है, ये हमारा कितना आएगा 10 इंटू 5, ये कितना हो गया 50 केजी मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से हम लोग मोमेंटम में कितना बदलाव आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए फर्दर अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूटन, ये डिस्क्राइब किया गया है न्यूटन के द्वारा। इसमें क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सिंपली पहले इसका एक डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, इसके मोमेंटम में जो बदलाव आएगा, इसके मोमेंटम में जो बदलाव आएगा वो डिपेंड करेगा फोर्स पर, कि किस रेट से आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसी रेट से इसमें क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम का जो चेंजिंग है, बदलाव है, वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली फोर्स पर। दैट मींस ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गोज ऑन इंक्रीजिंग बाई अप्लाइंग, बाई इंक्रीजिंग द फोर्स और डिक्रीजिंग द फोर्स। अगर बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। इसी बेस पर न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बनाया, जिसको हम लोग इस प्रकार से स्टेटमेंट देंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअली इट हैज गिवन बाई न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। क्या इसका स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विच टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में ही मोमेंटम में बदलाव आता है, मोमेंटम जो बढ़ता है फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, और मोमेंटम में जो चेंजिंग आएगा वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर। दैट मीन्स फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। चलिए इस पर हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन देखेंगे, जिससे हमारा फोर्स का डिफरेंशिएशन भी बनेगा। यह हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन टू फाइंड द फोर्स। कैसे हम लोग निकालेंगे इसको हम लोग देखें। चलिए लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, ये m मास का कोई बॉडी है, इनिशियली इट मूव्स विथ u, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रहा है। आफ्टर
अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स हम लगाते हैं, अप्लाइंग ए फोर्स एफ, दैट मीन्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स भी, ये भी हो जाता है, इसका यू से भी हो जाता है, कितने टाइम में, इन टाइम इंटरवल टी, ये टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम सपोज कीजिए कि हम इनिशियल मोमेंटम इसका निकालें, कि इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, फिर फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास एम मान लिए, वेलोसिटी क्या है, ये हो गया यू, हो गया एम यू, हो गया फाइनल मोमेंटम हो गया एम इंटू वी, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। हम जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सिंपली क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स दैट मीन्स एफ जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम एम बी माइनस एम यू, चूंकि रेट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पर हम टी लगाएंगे, इस जगह टी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम कॉमन ले लेंगे, बी माइनस यू बाई टी, तो यहां से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बी माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस यू बाई टी, ये लग गया बी माइनस यू बटा टी के जगह पर ये बैठा दिए, साइन ऑफ वेरिएशन हटाएंगे तो ये हो जाएगा, कांस्टेंट लगाएंगे के एम ए, के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और चूंकि के का वैल्यू 1 के करीब आता है भाई एक्सपेरिमेंटल, तो इसलिए हम लोग के का वो यहाँ पर हटा देते हैं और एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे, क्योंकि के का वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है।